हेलो स्टूडेंट्स आज हम जी सी एंसवर्स ऑफ फंजाई पढ़ेंगे एनस्वर्थ एक ब्रिटिश माइकोलॉजिस्ट थे माइकॉलॉजिस्ट आपको पता होगा जो फंजाई के बारे में पढ़ते हैं और उन्होंने किंगडम माइकोटा में सारे फंजाई रखे और किंगडम माइकोटा को टू डिविजन्स में डिवाइड किया ये क्लासिफिकेशन जो है ये मोफोलॉजी पे बेस्ड है मोफोलॉजी मतलब जैसा चीज़ दिखाई दे रही है बाहर से कैसा शे, शेप है साइज है एक्सेट्रा तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और आप लोग नोट्स भी बनाइएगा जी सी वर्स क्लासिफिकेशन में उन्होंने माइकोटा किंगडम को टू डिविजन्स में डिवाइड किया मिक्सो माइकोटा एंड यू माइकोटा मिक्सो माइकोटा फॉल्स बन जाए यू माइकोटा ट्रू फन जाए मिक्सो माइकोटा को फोर क्लासेस में डिवाइड किया गया अक्रेजियो माइसीट्स हाइड्रो मेक्सो और प्लाजोडियोफोर वहीं यू माइकोटा को उन्होंने फाइव सब डिविजन्स में डिवाइड किया अगर हम डिफरेंस तो, की बात करें तो मिक्सो माइकोटा लैक सेल वॉल इन वेजिटेटिव स्टेट बट यू माइकोटा ये ट्रू फंजाइ होते हैं इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है प्रेजेंटली मिक्सो माइकोटा बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा एंड यू माइकोटा बिलोंग्स टू किंगडम फंजय तो चलिए हम मिक्सो माइकोटा की डिटेल स्टडी करते हैं कई दफ़े लोग इसे माइक्सो माइकोटा भी बोल देते हैं और इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़ेंगे वो है स्लाइम मोल्स ये स्लाइम मोल्स होते हैं स्लाइम मीन्स स्लिपरी मोल्स मीन्स फंगस फ़ाइन सेकेंड ये है ये यू कैरेओटिक है होते हैं यू कैरेओटिक आपको मालूम होगा जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है केंद्रक के बाहर झिल्ली होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के बाहर और ये वेल well ऑर्गनाइज होते हैं यू कैरियर प्रो कैरियर का डिफरेंस आपको मालूम होगा थर्ड है फॉल्स फनजाई मिक्सो को फॉल्स फनजाई कहा जाता है इवन एट प्रेजेंट तो इस ग्रुप को प्रोटेस्टा में रख दिया गया है ये पूरा रिविजन प्रोटेस्टा में आता है फोर्थ इसकीक्ट्रिस्टिक है फेगोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये इनगल्फ कर जाता है पूरे खाने को इनगल्फ करने की प्रोसेस को फेगोट्रोपिज्म कहते हैं तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फिफ्थ है कि ये स्पोर्स स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस करते हैं स्पोरेंजिया क्या होता है स्पोरेंजिया इज अ कैप्सूल स्ट्रक्चर इन विच रिप्रोडक्टिव स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड ठीक है और ये बेस्ड होता है स्पोरोफाइट क्स पॉइंट है कि वेजिटेटिव स्टेट में प्रोटोप्लास्ट इज विदाउट सेल वॉल वेजिटेटिव स्टेट का मतलब है कि मोल जो है वो बिजी है एक्यूमलेशन ऑफ रिसोर्स में जिससे कि आगे का रिप्रोडक्शन हो सके ठीक है तो उसमें सेल वॉल नहीं है और जो वेजिटेटिव बॉडी है वो प्लाज्मोडियम भी हो सकती है अब प्लाज्मोडियम क्या होता है प्लाज्मोडियम इज़ अ फ्री लिविंग मल्टी न्यूक्लियट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लियट बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और मास ऑफ ये है इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं अब सीडो प्लाज्मोडियम मतलब झूठा प्लाज्मोडियम ना तो ये एग्रीगेशन है यूनी न्यूक्लिएट सेल्स का ठीक है जैसे मिक्सा अमीबा का ये एग्रीगेट है इसको हम सीडो प्लाज्मोडियम कहते हैं अब मिक्सा अमीबा क्या है कि ये सिंपल न्यूक्लिएटेड अमीबॉइड सेल्स हैं यूनी न्यूक्लिएटेड है एक न्यूक्लियस है और नेट प्लाज्मोडियम जब इंटर कनेक्शन है एमीबॉय सेल्स का तो एक फ़िलामेंट टाइप ये नेट जैसा प्लाज्मोडियम बना देते हैं ठीक है तो ये मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं मैक्सो के और ये मोस्टली मॉइस्ट सॉयल और वुड में पाए जाते हैं तो चलिए अब फोर क्लासेस जो हैं मैक्सो की वो पढ़ते हैं देखिए ए एच एम पी एक्रेजियो हाइड्रो मिक्सो प्लाजोडियो फोरो ठीक है अक्रेजियोमाइसीट्स हाइड्रोमिक्सोमाइसी मिक्सोमाइसीट्स प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीट्स ठीक है वैसे तो फोर ही है तो इसके लिए ट्रिक्स की ज़रूरत होती नहीं है पर फिर भी अगर आप लर्न करना चाहें तो ए एच एम पी चोट लगती है हम कहते हैं है, आह और एम फॉर मम्मा पी फॉर पापा आह मम्मा पापा ए एच एम पी अगर आप ट्रिक लर्न करना चाहें तो तो चलिए अब हम इन फोर क्लासेस को आ, के करट्रिस्टिक्स को पढ़ते हैं और सबसे पहले हम अक्रेजियो माइसीट्स के बारे में पढ़ेंगे अक्रेजियो माइसीट्स पहली बात होती है सेलुलर स्लाइम मोल्स होते हैं या फिर आप कहिए कि अम्बॉय स्लाइम मोल्स होते हैं एमिबॉइट अमीबा की शेप है ना और सेकेंड है कि दे आर फाउंड इन अपर लेयर ऑफ ह्यूमस ह्यूमस आपको पता है डेड डिकेट लीव्स और स्टेम ये सब जो होता है फ्री लिविंग अमीबा दैट एग्रीगेट टू फॉर्म सीडो टू डेवलप अ फ्रूटिंग बॉडी इस बात को समझते हैं जब रिप्रोडक्शन करना था तब इन्होंने Uh, जो एमीबा थे इन्होंने uh, एग्रीगेट होकर के सीडो डेवलप कर लिया ठीक है रिप्रोडक्शन से पहले जिससे कि एक फ्रूटिंग बॉडी बन पाए तो इसका मतलब क्या है कि सोमैटिक फेज था वो तो एमिबॉयड सेल से बना हुआ था लेकिन अब इन्होंने रिप्रोडक्शन के लिए सारे एमिबॉय सेल्स जो हैं वो इकट्ठे uh, हुए एग्रीगेटेड हुए और इन्होंने सीडो बना दिया तो आपका फोर्थ पॉइंट है सोमैटिक फेज कंसिस्ट ऑफ एमिबॉय सेल्स ठीक है आपने डायग्राम देखिए अब स्पोर वॉल कंटेन सेलोज ये इसकी करेक्टरिस्टिक है एग्जाम्पल है इसका अक्रेसिस ठीक है डायग्राम सिंपल है आपको मीबा जैसा बनाना है ठीक है ना तो ये आपका अक्रेजियो था अब हाइड्रोमिक्सो के बारे में पढ़ेंगे ठीक है हाइड्रोमिक्सो बड़ा सिंपली देखेंगे इसको हाइड्रो का मतलब आप पानी से लगाइए ठीक है पानी में हम जाल फेंकते हैं ना तो नेट नेट स्लाइम मोल्स होते हैं ये नेट जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है इनका तो ये नेट स्लाइम मोल्स हैं ठीक है सेकेंड पॉइंट आप लर्न करेंगे दे आर कॉमनली एक्वेटिक एंड सेप्रोफिटिक एक्वेटिक आपको मालूम है पानी में रहते हैं क्योंकि हाइड्रो से ही आपको पता लग रहा है सेप्रोफिटिक क्या है जो डिकेड ऑर्गेनिक मेटर की प्रोसेसिंग कर रही हैं तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है अब फोर्थ पॉइंट है थैलस कंसिस्ट ऑफ यूनि न्यूक्लिएटेड स्पिडल शेप सेल्स विच फॉर्म फिलामेंट एंड नेट लाइक स्ट्रक्चर अब यहाँ पर देखिए थैलस थैलस क्या होता है कि बॉडी जब डिफ्रेंशिड uh, नहीं होती है उसमें अलग स्टेम स्टैमली सूट इस टाइप की आपको अलग अलग ऑगल्स नहीं दिखते हैं उसको आप थैलस कहते हैं तो थैलस जो है वो किस चीज़ का बना है वो स्पिंडल शेप सेल्स से बना है जो यूनि न्यूक्लिएटेड है स्पिंडल शेप आप डायग्राम में देखिए इस शेप को स्पिंडल शेप कहते हैं ठीक है और हर सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस है इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं यूनी न्यूक्लिएटेड स्पिंडल शेप सेल्स अब ये जो स्पिंडल सेल्स हैं ये पतले पतले लंबे फिलामेंट्स बना रहे हैं और इन फिलामेंट्स से नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है एग्जाम्पल में आप लेबरन थुला लर्न करेंगे नेक्स्ट हमारा है मेग्ज़ोमाइसी मेग्जोमाइसी को ट्रू स्लाइमोल्स कहते हैं या फिर आप उन्हें प्लाज्मोडियल मोल्स कहेंगे ठीक है प्लाज्मोडियम आपको मैंने पहले बताया था फिर से बताती हूँ प्लेजोडियम जो होता है वो एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस हैं लार्ज मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है दैट मूव्स इंजेस्ट फूड एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ वेजिटेटिव स्लाइम मोल्स स्लाइम मोल्स जब वेजिटेटिव फेज में है उस टाइम का ये करेक्टरिस्टिक फीचर है ठीक है ये फ्री लिविंग है इसलोलर हैं और सोमैटिक फेज़ में जिसे आप एसिमिलेटिव फ़ेज़ कहते हैं खाना लेने वाली फेज पोषण वो प्लाज्मोडियम है इसकी और इसका एग्जाम्पल है फाइसेरम फोर्थ क्लास है इसकी प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटिस ठीक है सबसे पहली बात ये एंडोपैरासिटिक स्लाइम मोल्स होते हैं एंडोपैरासिटिक जो पैरासाइट अपने होस्ट के अंदर ही रहता है दैट इज़ एंडो पैरासिटिक ठीक है दूसरी बात है कि ये ओब्लिकेट पैरासाइट्स हैं अब ऑब्लिकेट पैरासाइट्स क्या होते हैं ये वो पैरासाइट्स होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को कम्प्लीट ही नहीं कर सकते बिना होस्ट के दे कैन नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट होस्ट और इवन विदाउट होस्ट दे फेल टू रिप्रोड्यूस ठीक है तो बहुत ज़रूरी है इनके लिए होस्ट होना ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं फोर्थ पॉइंट है कि दे ग्रो ऑन एलगी ठीक है एलगी के ऊपर ग्रो कर रहे हैं फिफ्थ सुमैटिक बॉडी कंसिस्ट ऑफ नेकेड होलोकार्पिक प्लाज्मोडियम होलोकार्पिक इसका मतलब ये होता है कि जो पूरा थैलिस है प्लाज्मोडियम का ये मतलब जो होल थैलिस ऑफ प्लाज्मोडियम इट डेवलप्स इन टू फ्रूटिंग बॉडी पूरा का पूरा वो फ्रूटिंग बॉडी में चेंज हो जाता है एक रिप्रोडक्टिव यूनिट में चेंज हो जाता है और वो अपने आप में एक पूरा स्पोरेंजियम बन जाता है अब यहाँ आप डायग्राम देखेंगे फोरा ब्रासिका होस्ट सेल है और उसके बीच में यहाँ पर रेस्टिंग स्पोर्स है प्लाजोडियोफोरोमसेटस हमने पढ़ लिया है ये फोर्थ क्लास है इस डिवीजन की सो so स्टूडेंट्स ये हमारा जो फर्स्ट डिवीजन था मेग्जो माइकोटा डी सी एज इन वर्स क्लासिफिकेशन का ये हमने कम्प्लीट कर लिया है यू माइकोटा हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं कोई भी प्रॉब्लम्स हैं इस टॉपिक को लेके या बायोलॉजी के किसी और टॉपिक को लेके तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए